शुक्रिया रजत जी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को अब जंग के ख्वाब आ रहे हैं। जिनपिंग ने अपनी सेना से कहा है कि वो अलर्ट रहें, युद्ध किसी भी वक्त हो सकता है, मगर जिनपिंग को अपनी ही आर्मी पर यकीन नहीं है, इसलिए चीन अब मशीनी सेना बना रहा है। दावा किया जा रहा है कि चीन ने ड्रोन आर्मी यानी सुसाइड प्लान के दस्ते का बहुत बड़ा टेस्ट किया है। आखिर क्या वजह है कि अब असली सेना की बजाय चीन आर्टिफिशियल आर्मी बना रहा है? चीन की इस टॉप सीक्रेट आर्मी की हकीकत बताने वाली यह रिपोर्ट देखिए। के सिर पर जंग सवार है ड्रैगन आर्मी को सुप्रीम कमांडर का नया ऑर्डर मिला है। चीन महाविनाशक सुसाइड ड्रोन आर्मी तैयार कर रहा है। क्या चीन युद्ध करके ही मानेगा? चीन में इस वक्त जबरदस्त हलचल है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने आर्मी को हाई अलर्ट कर दिया है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। ड्रैगन को डर है कि उस पर हमला ना हो। चीन का इस समय भारत से तनाव चल रहा है। साउथ चाइना सी और कोरोना को लेकर अमेरिका से तनातनी है। ऑस्ट्रेलिया और ताइवान भी चीन की मुसीबत बने हुए हैं। युद्ध के मंडराते खतरे के बीच शी जिनपिंग ने कहां का इमरजेंसी दौरा किया और क्या कहा है वो बताने से पहले चीन की सबसे लेटेस्ट और खतरनाक साजिश को समझ और देख लीजिए। ये वीडियो चीन के अंदर से आया है। ये दुनिया को डराने के लिए है या सिर्फ प्रोपेगेंडा? दुनिया भर के अखबारों और मैगजीन में चीन से आई ये खबर हेडलाइंस बनी हुई है। चीन ने विस्फोटकों से लैस लॉयटरिंग म्यूनिशन यानी आत्मघाती ड्रोन विमानों की पूरी आर्मी तैयार कर डाली है। ये ड्रोन एक ट्यूबलर लॉन्चर के अंदर होते हैं जो इशारा करते ही टारगेट पर टूट पड़ते हैं। इन लॉन्चर्स को छोटी गाड़ी से लेकर हेलीकॉप्टर तक में तैनात किया जा सकता है। इस ड्रोन को चीन की इलेक्ट्रॉनिक्स एकेडमी ने तैयार किया है। पिछले महीने ही इसका सफल परीक्षण किया गया। चीन ने साल 2017 में 120 छोटे ड्रोन को एक साथ सेना के रूप में उड़ाकर टेस्ट किया था। अब एक साथ 200 ड्रोन विमानों को उड़ाकर टेस्ट किए जाने का दावा किया गया है। चीन के आत्मघाती ड्रोन विमान का नाम CH-901 बताया जा रहा है। इस ड्रोन में आगे और पीछे पंख लगे हुए हैं। टारगेट की पहचान के लिए भी सेंसर लगा हुआ है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर जिस ट्यूबलर लॉन्चर को देख रहे हैं इसके अंदर एक साथ 48 ड्रोन हो सकते हैं और इससे एक ही बार में 48 सुसाइड ड्रोन लॉन्च किए जा सकते हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बॉक्सनुमा ड्रोन लॉन्चर को जंगी जहाजों और जमीन पर कहीं भी तैनात किया जा सकता है। यही नहीं, इस ड्रोन को हेलीकॉप्टर के ऊपर भी तैनात किया जा सकता है। चीन से आए वीडियो में जमीन के साथ साथ आसमान से भी ड्रोन लॉन्चिंग का वीडियो है। ये देखिए, हेलीकॉप्टर से एक एक करके पूरे 11 ड्रोन विमान निकलते हैं, एक छोटी आर्मी की तरह हवा में फॉर्मेशन बना लेते हैं। जरा सोचिए, ये तो सिर्फ 11 ड्रोन है। चीन का दावा है कि उसने इस तरह पूरे 200 ड्रोन की आर्मी का टेस्ट किया है। ये ड्रोन कहीं भी अटैक करने में सक्षम है। दूर कहीं कंट्रोल रूम में चीन की सेना के जवान इन्हें कंट्रोल करके टारगेट को तबाह कर सकते हैं। चीनी ड्रोन के अंदर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल कैमरा लगा हुआ है। ये कैमरा जमीन पर पहले निरीक्षण करता है, लक्ष्य की पहचान करके उस पर हमला कर देता है। चीन सिर्फ एक छोटी गाड़ी से ही 48 ड्रोन एक साथ तैनात कर सकता है, जिससे वो कुछ सेकंड के अंदर भीषण हमला कर सकता है। ड्रोन आर्मी सतह से लेकर हवा तक किसी भी प्लेटफॉर्म से दागी जा सकती है। ये एक साथ कई तरफ से हमला करने की क्षमता रखती है।
एक्सपर्ट्स का कहना है कि ड्रोन विमानों के झुंड को रोक पाना किसी भी देश के एयर डिफेंस के लिए बहुत मुश्किल होता है। एक साथ हमला करने से एयर डिफेंस सिस्टम भ्रमित या अंधा हो जाता है, वो ये तय नहीं कर पाता कि किस ड्रोन पर हमला करना है, और इस बीच ड्रोन आर्मी एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर देती है। दुनिया में इस तरह के हमले को रोकने के लिए अभी कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। इसे रोकने का एक ही तरीका है, दुश्मन के ड्रोन आर्मी के हमले को नाकाम करने के लिए अपने ड्रोन विमान भेजे जाए। इस तरह ड्रोन युद्ध अभी तक फिल्मों में दिखाई देते थे, लेकिन अब ये भविष्य की जंग का नया चेहरा बनता दिख रहे हैं। आर्मेनिया और अजरबैजान के युद्ध में ड्रोन से हुई तबाही सब देख चुके हैं। इसराइल और तुर्की से मिले घातक ड्रोन से अजरबैजान ने आर्मेनिया में खूब तबाही मचाई है। अजरबैजान की सेना आर्मेनिया के सैनिकों और टैंक को निशाना बनाने के लिए इजरायली हैरोप कैमिकेज ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रही है। ये ड्रोन आत्मघाती होते हैं, जो दुश्मन के क्षेत्र की रेकी करने के अलावा अगर टारगेट दिखाई दिया तो उससे भिड़कर खुद को उड़ा लेते हैं। आर्मेनिया के कई सैनिक ड्रोन हमले में मारे गए। इजरायली हैरोप कैमिकेज ड्रोन्स को कई नाम से जाना जाता है। इसे हीरो 120 या किलर ड्रोन भी कहा जाता है। इसे इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री के MBT डिवीजन ने विकसित किया है। अजरबैजान ने तुर्की से मिले TB2 ड्रोन का भी हमले में इस्तेमाल किया। इस ड्रोन में मिसाइल और गाइडेड बम लगे होते हैं। लेकिन अब चीन ड्रोन हमले से दो कदम आगे बढ़कर पूरी ड्रोन आर्मी ही खड़ी कर रहा है। चीन ने अपनी आर्मी परेड में ड्रोन की नुमाइश करके पूरी दुनिया को बताया था कि ड्रोन ही उसका विनाशक हथियार बनने जा रहा है। ड्रोन में अलग से मिसाइल नहीं होती, ड्रोन खुद में एक मिसाइल होती है। इसका एंटी रेडार होमिंग सिस्टम दुश्मन के रेडार को भी जैम कर सकता है। अगर ये गिराया नहीं जाता तो ये वापस अपने बेस लौट आता है, लेकिन अगर इसे टारगेट दिखता है तो ये उससे टकरा कर खुद को उड़ा देता है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि चीन ने जो ड्रोन डेवलप किया है उसे 800 से 1000 किलोमीटर की दूरी तक ऑपरेट किया जा सकता है, और ये एक बार में 5 घंटे तक उड़ान भर सकता है। चीन के पास कौन कौन से घातक ड्रोन हैं उनकी लिस्ट भी देख लीजिए। ड्रोन आर्मी में चीन ने CH-901 ड्रोन को शामिल किया है। चीन के पास AR-500C ड्रोन है, जो पठार वाले इलाकों में उड़ान के लिए डिजाइन किया गया था। LAC के पास चीन ने इसे तैनात किया हुआ है। चीन का विंग लुंग आर्म ड्रोन लेजर गाइडेड बम या मिसाइल ले जाने में सक्षम है। इसके अलावा एडवांस GJ-2 हमलावर ड्रोन भी चीन की सेना के पास है। ड्रोन आर्मी की खबर चीन के अंदर से दुनिया भर में फैलाई गई है। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या जिनपिंग को अपनी असली आर्मी पर भरोसा नहीं है? क्या उन्हें लगता है कि अगर युद्ध हुआ तो उनकी PLA की हार तय है, इसीलिए एक मशीनी सेना तैयार की जा रही है? लेकिन चीन को ये नहीं भूलना चाहिए कि दूसरे देशों के पास भी एडवांस टेक्नोलॉजी वाले किलर ड्रोन मौजूद हैं। अमेरिका का MQ-9 रीपर ड्रोन सबसे खतरनाक है। इसी ड्रोन से अमेरिका ने ईरान के कमांडर सुलेमानी को मारा था। इसराइल का हेरोन ड्रोन भी बेहद डेंजरस है। अमेरिका के पास चीन से ज्यादा विनाशक ड्रोन है। ऐसे में जिनपिंग युद्ध के मैदान में चीन की ड्रोन आर्मी को उतारेंगे तो उसका भी पिटना तय है। भारत के पास भी चीन की ड्रोन आर्मी को जवाब देने की क्षमता है। भारत की स्पेशल फोर्स पहले से ही अटैकर ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। सेना के लिए हमलावर ड्रोन की खरीद को लेकर भी बातचीत चल रही है। अमेरिका से प्रीडेटर भी ड्रोन खरीदने की बात चल रही है। इसके अलावा भारत में DRDO और कुछ निजी कंपनियां भी हमलावर और सर्विलांस वाले ड्रोन बना रही हैं। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि चीन ड्रोन आर्मी इसलिए बनाने में जुटा है क्योंकि उसे लग रहा है कि LAC और साउथ चाइना सी को लेकर उस पर कभी भी अटैक हो सकता है। लद्दाख में चीन ने घुसपैठ की कोशिश की तो भारतीय सेना ने उसे करारा जवाब दिया। LAC पर टेंशन कम करने के लिए चीन और भारत के बीच कमांडर लेवल की बात भी लगातार हो रही है, लेकिन चीन की फितरत है धोखा देना, इसीलिए वो एक तरफ LAC पर सेना बढ़ा रहा है तो दूसरी तरफ ड्रोन आर्मी तैयार कर रहा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी अपनी आर्मी को तैयार रहने का ऑर्डर दिया है। ये तस्वीरें गुआंगडोंग इलाके की हैं।
आर्मी के सुप्रीम कमांडर जिनपिंग पीएलए के एक बेस पर पहुंचे और मरीन कॉर्प्स के जवानों में जोश फूंकने की कोशिश की। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक जिनपिंग ने अपने बयान में सैनिकों से कहा, आपको अपना दिमाग और पूरी ऊर्जा युद्ध की तैयारी के लिए लगानी चाहिए, साथ ही आपको अपनी ट्रेनिंग में जंग की तैयारी पर फोकस रखना चाहिए। अपनी ट्रेनिंग के मानकों और लड़ाकू क्षमता को बढ़ाएं, आप हमेशा हाई अलर्ट की स्थिति में रहें। जिनपिंग की आर्मी ने 41 साल से डायरेक्ट कोई युद्ध नहीं लड़ा, लेकिन अब उसे दो मोर्चों पर चुनौती मिल रही है, समंदर में अमेरिका से और पहाड़ पर भारत से। यही वजह है कि जिनपिंग लगातार अपनी फौज को अलर्ट करते रहते हैं। मरीन बेस पर जिनपिंग का यह दौरा ऐसे वक्त हुआ है जब ताइवान स्ट्रेट में टेंशन हाई है। ताइवान के साथ अमेरिका खुलकर खड़ा है। चीन ताइवान को अपने नियंत्रण में लाना चाहता है, लेकिन अमेरिका ताइवान को किसी भी कीमत पर चीन के पाले में जाने नहीं देना चाहता। ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका के बीच तनातनी बुधवार को भी दिखी। अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस बैरी जब ताइवान स्ट्रेट से गुजरा तो चीन ने उसे ऐसी हरकतों से बाज आने की चेतावनी दी, लेकिन अमेरिका ने भी दो टूक कहा कि समुद्री क्षेत्र में स्वतंत्र आवाजाही के लिए उसका अभियान जारी रहेगा। प्रशांत महासागर में अमेरिकी नौसेना की टुकड़ी का हिस्सा यूएसएस बैरी एक गाइडेड मिसाइल विध्वंसक पोत है। अमेरिकी नौसेना ने इसे रूटीन एक्सरसाइज का हिस्सा बताया है, लेकिन ताइवान और उसके आसपास के समुद्री क्षेत्र पर दावा करने वाला चीन इससे गुस्साया हुआ है। मरीन सैनिकों के सामने शी जिनपिंग का युद्ध के लिए तैयार रहने का बयान साफ इशारा कर रहा है कि चीन भारत के साथ साथ साउथ चाइना सी में अमेरिका का सामना करने की भी तैयारी कर रहा है। अमेरिका से जंग के हालात में मरीन सैनिकों का रोल काफी अहम होगा। हालांकि भारत के साथ उसकी ऐसी कोई समुद्री सीमा नहीं है जहां जंग की गुंजाइश बने, लेकिन एलएसी पर भारतीय सैनिक डटे हुए हैं और अगर चीन ने कोई गलत हरकत की तो गलवान घाटी की तरह उसे फिर सबक सिखाया जाएगा। चीन की